कितनी जोरों की बारिश हो रही है, ये देखिए आज सुबह से बारिश हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम सब लोग भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज से सावन महीना का स्टार्ट हुआ, आज फर्स्ट दिन है। तो सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से आप सभी लोगों को, हैप्पी सावन। और पता है ये जो सावन महीना है, कितने हमेशा तो एक महीने का होते हैं, बट इस बार दो महीने का है। इस सावन में हम लोगों को 8 सोमवार मिलेगा, यानी व्रत करना 8 बारों का। हम लोग 4 को करते हैं सोमवार को, मतलब सावन में हर एक सोमवार को होता है, बट ये इस बार 2 महीने का है, तो 8 हुआ, तो बहुत अच्छा है। और ये सावन महीना ना, मतलब बहुत काफी दिनों के बाद आया है ऐसा, मतलब हर एक बार नहीं आता है, हर एक बार तो साल में एक बार आता है जो कि 1 महीने का होता है, ये 2 महीने का है, तो ये थोड़ा खास है, स्पेशल है। स्नेहा, हाँ? क्या हो रहा है? कुछ तो नहीं, छोटू व्यस्त है। तो ये लो, दोनों स्कूल से आ चुके हैं, अभी आई है स्नेहा और खाना खाई। खाना खा ली? हाँ। तो तुम भी खा लिए हो? अच्छा बाबू। तो फ्रेंड्स, पता है क्या बोलते हैं, सुबह से बारिश हो रहा है, तो ये देखिए, ये मेरी बेटी भी आ गई है, श्रीदी। श्रीदी ये देखिए अभी आई, दो जन पहले आ गया है, अभी आ रही है। हाय, कैसा रहा स्कूल क्लास आपका? बहुत मस्त। बहुत मस्त, अच्छा। पेपर इनका हो चुका है, टेस्ट वाला, 6 महीना पे होता है ना, ये वाला हो गया है। आ जाओ, हाथ पैर धो के आओ, ड्रेस चेंज करो, खाना निकाल रही हूँ मैं। स्नेहा आ जाओ। तो पता है फ्रेंड्स, आज मैंने इतना सारा कपड़ा धोया है ना, और सुबह से बारिश हो रहा है। मैंने फर्स्ट में थोड़ा सा बारिश का दिखाया था, अभी खत्म हुआ है, पता है 3:30 बज रहा है, और मैंने कपड़ा धोया है 6 बजे। 6 बजे का कपड़ा धोया हुआ, एकदम एक फूक भी नहीं सूखा है, क्या बताएं, इतना परेशान। मतलब कि बारिश था, मैं तब तो कपड़ा सूखे, फैन से कितना कपड़ा सूखेगा, वो भी ठंडी लग रही है। ठंड मतलब बारिश होने से मौसम ठंडा हो जाता है, तो इसके कारण से ठंडा ठंडा लग रहा है, तो फैन भी नहीं चालू कर पा रहे हैं, हल्का सा चालू हो रहा है फिर ठंडी लगने लग रही है, तो बंद कर दे रहे हैं। ये देखिए हमारे घर में इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, पूरा रस्सी फूल है। और बताइए, 5 जन है, 5 जन का कपड़ा कम हुआ है? गेट पे तो इधर उधर, ये सरिया का इसमें फेंकी हूँ, ये अलमारी के ऊपर। क्या करे बताओ, देखो ये सब पूरा भर्ती है, ये रूम एक रूम पार हो गया, ये दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है, देखिए तीसरा रूम में भी फूल है, कहाँ मैं डालूं। और ये देखिए, ये बरंडा जो है इसमें भी फूल है, बारिश का कवर मैंने धोया, सावन महीना चढ़ा है, तो सोची कि घर का सब साफ सफाई कर ले। 5 बजे सुबह में उठी थी, घर का डिटॉल डालकर घर के धुलाई कर दी, मतलब अच्छे से सफाई कर दी, और उसके बाद मैंने इतने सारे कपड़े धोए, मच्छरदानी, बेड कवर, बालिश कवर, सबको मैंने धो दिया। सावन महीना चल रहा है तो साफ सफाई भी जरूरी होता है, और एक महीना तो क्या बोलते हैं, झोल भी नहीं उतार सकते, तो इसलिए मैंने आज ही झोल उतार दिया। अभी मैंने बेड कवर बाहर डाला है, वो क्या हुआ, अभी थोड़ा सा मतलब सूरज भगवान दिखाई दिए तो मैंने सोचा कि अभी डाल दूँ, हल्के से तो पानी झड़ जाए, फिर अंदर डाल दूंगी। अभी हल्का हल्का धूप दिख रहा है, ये देखिए हल्का सा धूप है, मैंने बहुत सारे 2-3 बेड कवर धोए हैं। आ जाओ श्रीदी, आ जाओ खाना खा लो, स्नेहा थोड़ा खाना दे दो। आज पता है मैंने क्या बनाया है? क्या बनाया है स्नेहा, तुम बता दो। आज बना है रोटी और फल, तो बहुत कुछ है, परवल की सब्जी है, और उसके बाद पका आम है, और उसके बाद क्या है, अचार है, लटकेना है, ये लटकेना, ये क्या होता है? ये बंगाल में मिलता है, पता है, खट्टा खट्टा लगता है, इसको खोल के दिखाओ। मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये खट्टा लगता है, एकदम बहुत खट्टा लगता है, बट खाना चाहिए, क्या है कि साल में तो एक बार मिलता है ना, अच्छा। कोई भी फल तो खाना चाहिए, है ना श्रीदी? ये देखिए फुलिया, ये देखिए, इसके अंदर या तो 3 या तो 4 पार्ट होगा, इसमें 2 पार्ट है, और एक भी पार्ट होता है किसी किसी में जो छोटा होता है, देखिए इसमें 2 है, और हर एक पार्ट के अंदर एक एक बीजी रहता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं खोल के दिखा रही हूँ, ये छोटा छोटा है,
नींबू जैसा छोटा छोटा होता है, छोटा वाला लेबू होता है ना उसी टाइप का, इसके ऊपर का छिलका, ये देखिए अंदर का जो हिस्सा है, ये लीजिए खा लीजिए आप लोग भी। ये छोटे छोटे दाने होते हैं, बहुत खट्टा, बहुत खट्टा है, खट्टा की वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता, ये लोग खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। मुझे और आर्यन को पसंद नहीं। और एक फल लाए थे देखिए स्नेहा, वो क्या लाए हैं आज, लाए हैं पापा तुम्हारे, ये देखिए फ्रेंड्स ये कौन सा फल है, ये कैसा लग रहा है, इसे कौन सा सेफ है श्रीदी, लीची की तरह लग रहा है ना, ये टेस्टलेस है, मतलब इसमें कोई स्वाद वगैरह कुछ नहीं है, फालतू मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। और इसका कोई सेंट भी नहीं है, और इसको बैर भी कहते हैं, बैर देखिए बैर के जैसा नहीं लग रहा है, ये देखिए ये लटके ना भी है हल्का सा, ओ बाबा ये साइज में थोड़ा ज्यादा बड़ा है, मैंने खाया एकदम पानी की तरह लग रहा है, ना मीठा लग रहा है, ना खट्टा लग रहा है, ना तीखा लग रहा है, तो फिर क्या फायदा खाने का, और ये ना खाए, और ये तो सब लोग जानता है। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं, सावन महीना तो लग चुका है और बारिश की मौसम स्टार्ट हो गई है, तो अच्छा लगता है सावन महीना, अच्छा भी लगता है, और बारिश से किच 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 हो जाता है घर आंगन, ज्यादा बारिश होता है ना, और हमारे यहाँ पे ज्यादा ही होता है, और ज्यादा मेरे यहाँ पे एक महीने आगे से ही बारिश हो रहा है, इसलिए यहाँ का अवस्था और खराब हो जाता है, बाढ़ आने का संभावना था बट बाढ़ नहीं आया, आते आते थम गया। अब देखते हैं क्या होता है, उम्मीद तो नहीं है अब नहीं आएगा, जब इतना पानी ऊपर उठ गया था फिर भी थम गया, नीचे चला गया, तो अब क्या आएगा, नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, और सावन महीना की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से आप सभी लोगों को, हैप्पी सावन, हैप्पी सावन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन जरूर से दबाइएगा ताकि हर एक ब्लॉग का आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय बाय, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मेरी प्यारी बिटिया क्या है ना कि जाती है देरी से, नहीं एक के साथ में जाती है स्नेहा के साथ, और आती है देरी से क्योंकि इसका थोड़ा क्लास ज्यादा होता है, कौन सा सीबीएसई बोर्ड है ना, नहीं आईसीएसई बोर्ड है, इनका सीबीएसई बोर्ड है, तो इनका थोड़ा क्लास ज्यादा होता है, और सब्जेक्ट भी बहुत सारा है, कितने हैं सब्जेक्ट दीदी, 10-12 इनका साथ है, इनका ज्यादा है, तो इनको ज्यादा चाप रहता है, 2 साल छोटी है और पढ़ाई का इनका चाप बहुत ज्यादा रहता है, सिस्टर ने क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम है ना, और क्या बोलते हैं प्राइवेट सब कुछ ये होता है, क्या नाम है सिस्टर निवेदिता, कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल है, और इनका तो सरकारी स्कूल है केबी स्कूल, हालांकि केबी स्कूल सबसे मस्त है, बहुत बढ़िया है, सबका नसीब भी नहीं होता है केबी स्कूल में पढ़ना, इनका भी कितना बार अप्लाई किया बट नहीं हो पाया, खैर कोई बात नहीं, नसीब में होगा तो हो जाएगा, है ना श्रीदी, अब नवोदयगा तैयारी करेगी है ना, हाँ सरस्वती माँ करेगी नवोदय में निकल जाओ और अच्छा पढ़ाई करो, है ना बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।